अब मैं दावत दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर समीना अवान साहिबा को। आप चेयरपर्सन हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इको आ रही है अपनी आवाज से। जी आपकी आवाज ठीक है डॉक्टर साहब, आप बात कीजिए प्लीज। ओके, प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद खान साहब, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज, प्रोफेसर महबूब साहब, महबूब हुसैन साहब, ऑल माय कोलीग्स, पैनलिस्ट्स एंड स्टूडेंट्स, कायदे आज़म ने 40 से 47 तक जितनी गुफ्तगू की थी वो ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करके की। आज वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को सुनते हुए मुझे ऐसे लगा कि हम सिर्फ वाक़यात को नहीं दोहराते बल्कि ईडियम्स को भी दोहराते हैं। उन्होंने जितनी भी पुरस्सर गुफ्तगू हम सब के लिए की, मैं समझती हूँ, मैं अपने लिए इसलिए कह रही हूँ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ही बीए और बीएड और उसके बाद कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से बाकी डिग्रीज, तो आई रियली रिस्पेक्ट दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ये यूनिवर्सिटी लाहौर रेनेसां के मुताबिक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो पाकिस्तान और है जो पाकिस्तान के लिए एक फ्लैग कैरियर है। यहाँ से ही हमारे बड़े ज़ोमा जो है वो पूरे पाकिस्तान को ना सिर्फ मुदर्रिसीन की शक्ल में मिले बल्कि मुअस्सिरीन की शक्ल में भी मिले, जिन्होंने जिनको आज की ज़बान में आपके स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। तो यकीनन मैं उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो इस वक्त मौजूद हैं ऑफ द स्क्रीन एंड ऑन द स्क्रीन, उन सब से बात करना चाहती हूँ। मुझे आप सब की बात सुनते हुए ये लगा कि 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन का आज जो योम तजदीद और ना सिर्फ के उस अहद की तजदीद जो कि 1940 में मुसलमान रहनुमा कर रहे थे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, बल्कि एक ऐसा दिन जिसको कि हम सिर्फ इसलिए नहीं मनाते कि हमने अपनी अपनी आगे वाली नस्लों को, आइंदा आने वाली नस्लों को पैगाम देना है, बल्कि इसलिए भी मनाते हैं कि जितनी भी तारीखी मुसलमानों की तारीख और इस खत्ते में इस्लाम की तारीख है उसको देखने के लिए कुछ नए थ्योरेटिकल मॉडल्स भी बनाए जाएं। मसलन मैं जब आपकी वर्ती वाइस चांसलर की गुफ्तगू सुन रही थी तो तीन जो लफ्ज़ मेरे जहन में आए वो ये थे कि कम्युनिटी, उसका उसके अंदर कंसेंसस और फिर उसका कंट्रीब्यूशन। मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तान में विमेन के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, और अगर आप कायदे आज़म की लिखी हुई, बोली हुई और सुनाई गई तकरीरें और रिकॉर्ड शुदा जो उनके दस्तावेज हैं उसमें देखें तो उनके सामेईन में भी यही तमाम लोग थे। असातिज़ा उस वक्त यकीनन बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे, तालिब इल्म जो अब बहुत बड़ी तादाद में हैं, और ये पैगाम जैसे आज हमने सुना वो आगे की तरफ जा रहा है। जब मैं ये कहती हूँ कि हमें नए थ्योरेटिकल मॉडल्स ढूंढने हैं तो फिर मैं जहाँ पे आयशा जलाल का जिक्र करूँगी, वहाँ पर रफ़ी अफसल साहब का, वहाँ पे सिकंदर रियाद साहब का, क्योंकि मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ तो मेरे लिए हवाले बहुत अहम हैं, तो फिर मैं फरजाना शेख का जो थ्योरेटिकल मॉडल है मुसलमानों को अपनी तारीख में अपनी और अपने रहनुमाओं की जदोजहद को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, एक कम्यूनिटी जो इस्लाम के नाम पर मौजूद रही, जिन्होंने 800 साल से ज़्यादा बरसग़ीर में अपनी हुकूमत इस्लामी असूलों के तहत की और तमाम मिनारिटीज़ को उसके अंदर बहुत खुशोखुर्रम रखा, ना सिर्फ के आराम और सुकून से रखा बल्कि उनको बाज़ जगहों पर अपना दस्तोबाजू बनाया। अब मुसलमान के लिए अगर आप पैन इस्लामिज्म के उसमें देखेंगे तो वो उसमें रंग, नस्ल, जबान, सकाफत का कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि इस्लाम का जो दीन और जो कोड ऑफ लाइफ है वो उनको इकट्ठा रखता है। तो कंसेंसस आपके एडिक्शन है, मुसलमानों का एडिक्शन है, उसके अंदर जब आप कंसेंसस पर आ गए तो फिर 1850s के बाद इस खत्ते में जो मुसलमानों ने अपना जवाल देखा और इस जवाल को लम्हा बलम्हा रकम किया, यहाँ पर मैं फैसल देव जी का जिक्र करना चाहूंगी कि वो कहते हैं जब हम सिर्फ उमरा और शरफा और उनकी बात करते हैं तो हम एक तीसरा तबका भूल जाते हैं जो कि ऐसे लोग थे जो ज़ुअफ़ा थे, जो मार्जिनलाइज थे। जब ये तारीख आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आज भी ये तमाम तबकात, क्लासेस, सकाफतें और मसाइल ऐसे के वैसे ही मौजूद हैं। उनके लिए जो एक बड़ा मॉडल है वो है कि उनको कंसेंसस में देखना है। फरजाना शेख हमें ये बताती हैं कि ये किसी भी जबान से ताल्लुक रखते थे, ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं
और इनके जो लीडर्स हैं वो किसी भी सकाफत, बैकग्राउंड, जबान, लहजा, जो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं इसकी यकजहती के, तो उसमें उनमें अगर ये कंसेंसस ना होता कि उनके पास एक अपना मुल्क होना चाहिए जिस पे वो अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक तजर्बा कर सकें, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो कभी भी हम इससे आगे किसी और मॉडल पे नहीं जा सकते। इसमें यकीनन इस पे काम की बहुत ज़रूरत है कि अभी काम हो सकता है। अब कंट्रीब्यूशन की बात की वर्ती वाइस चांसलर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, मेरा ख्याल है कि असातिज़ा से बेहतरीन और कोई लोग नहीं जो ना सिर्फ के मुआशरे को, और इस मुआशरे में हमारे लीडरान भी हैं, हमारे वर्कर्स भी हैं, हमारी एक बड़ी वर्किंग क्लास भी है जो इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशां है, तो जब तक उनके अंदर ये कंसेंसस नहीं होगा और जब तक हम उन्हें नहीं बताएंगे कि ये मुल्क किस तरह से लिया गया, इसमें क्या कुर्बानियां थी और ये 40 का जो एक हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है वो क्या है। 1940 में जो आप लाहौर में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी और मिनॉरिटी सूबों से लोग शामिल होते हैं, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, महबूब साहब ने कल बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर किया कि जो ट्रेन चलाई गई और जो ये कहा जाता है कि वो स्कैटर्ड स्ट्रगल है, वो स्कैटर्ड नहीं है, और दूसरा जो कहा जाता है कि जी शायद 35 और 37 के इलेक्शंस के बाद मुसलमानों की लीडरशिप कोई कमजोर और कम असर थी वो भी नहीं है। ये जो मास्टर्स के साथ कांटेक्ट का जाल है वो एक बड़ा मौसर नेटवर्क है। यहाँ पर भी आप देखिए कि कंसेंसस का मॉडल है कि आप कंसेंसस पर अमल करते हुए कॉलोनियल पंजाब के अंदर उसके एक सदर मकाम लाहौर में, जहां पर कुछ ही दिन पहले एक बड़ा वाकया हो चुका था और उसके असरात अभी तक मौजूद थे, और जैसे अभी मेरे सीनियर कोलीग प्रोफेसर साहब फखर इस्लाम साहब ने बताया कि कायदे आज़म पर जो अटेम्प्ट्स हो रही हैं उसके, और ये तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप और ग्रुप्स और सियासी जमातें हैं जो 30s और 40s में हमें हिंदुस्तान की सियासत में बड़ी सरगर्म अमल नजर आती हैं। इसमें एक बड़ा जलसा करना, उस पर एक हिंदुस्तान के जो मुस्लिम प्रॉब्लम या और इश्यूज हैं उन पर बात करना और फिर एक करारदाद मंजूर करना जिसको चाहे किसी ने उसको तंज आमेज और सेटारिक में कहा था, बट दैट इज एक्चुअली आई वुड से कि दिल की आवाज़ थी मुसलमानों की, और जो लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन ना। अब चूंकि ये इस ही पंजाब के उस पंजाब में हो रहा है, उसके हार्ट में हो रहा है, तो कॉलोनियल पंजाब की जो लीडरशिप है वो यकीनन इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल है। हम देखते हैं कि जफर अली खान साहब मौजूद हैं। हम एक और चीज़ बड़ी अहम देखते हैं कि वो जो मैंने ज़ोफ़ा का जिक्र किया, कायदे आज़म की बहन उस जलसे में मौजूद है, एक बड़ी अहम मुसलमानों की आबादी का हिस्सा जो कि ख़वातीन थी, उससे पहले एक कमेटी जो है वो बना चुके थे ख़वातीन की, जिसका उन्होंने कायदे आज़म ने यहाँ पर जिक्र भी किया 22 के जलसे में, 23 और 24 को भी, जो प्रेजेंस ऑफ हिज सिस्टर ऑन स्टेज गिव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द मासेस इन लाहौर इन 1940, कि जो हमारा विमेन फोक है वो भी हमारा एक बहुत अहम हिस्सा है आबादी का, जो इस सारी स्ट्रगल में ना सिर्फ पहले साथ रहा बल्कि आइंदा जो 7 साल आने वाले थे, और जिसमें हमने घर घर जाकर पाकिस्तान का पैगाम और उसकी स्कीम पर अमल के लिए लोगों को आमादा करने का जो काम करना था उसमें ख़वातीन बहुत अहम है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा रेफरेंस देना चाहूँगी कि अगर हमने पाकिस्तान की कहानी को हमेशा बहुत मकबूल रखना है तो हमें फिर लोगों के जो कि उस जमाने के कारकुनान थे उनकी मेमोयर्स पर, उनकी उन किताबों पर, उसमें लोगों के दर्ज करदा कुर्बानियों पर और स्ट्रगल पर भी गौर करना है। और ये यकीनन ये पंजाब आज का पंजाब नहीं है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट पाकिस्तान कि हम उस जगह से बहुत आगे आ गए हैं तालीमी मैदान में, सियासी मैदान में, माशी और माशरती मैदान में। तो ये तमाम चीज़ें हमें इस बात की गमाजी हैं कि 1940 का जो रेजोल्यूशन है, वो जो जलसा है, उसमें जो करारदाद मंजूर की गई है, वो इस काबिल हैं कि हम शेयर करें, क्योंकि ये वो प्लान है जो हमें पाकिस्तान को आज इस मकाम तक ले आया है कि अब आपकी ख़वातीन बैनुल अक़वामी सतह पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं, आपके आस पास मौजूद हैं,
पढ़ी लिखी खवातीन, वर्कर्स खवातीन, आपके लिए मैं कहूंगी कि जो हमारे यहाँ जो जिसको हम हाउस वाइफ कहते हैं वो भी इक्वली शेयर है आपकी नेशनल स्ट्रगल फॉर इंटीग्रेशन। फिर एक और चीज हुई कि हम जब उस उन तीन दिनों की स्ट्रगल को देखते हैं तो जो पहला एज टीचर हमारा मकसद है वो है कि उस पैगाम को पॉपुलराइज करना, दूसरा है कि उस कंसेंसस को दोहराना ताकि वो कम्युनिटी हमेशा कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहे, और फिर आखिरी चीज ये कि हमारे पास एक फ्यूचर का जो प्लान है, जैसे कि वाइस चांसलर साहब भी और महबूब साहब भी अभी फरमा चुके कि हमें फिर जिंदगी के बहुत सारे मैदानों में अपने जो हमने जो अपने लिए अहदाफ मुकर्रर किए उन तक पहुंचने के लिए भी इस कम्युनिटी में इस कंसेंसस को बरकरार रखना है। मैं यहाँ पर चूंकि खुद एक हिस्ट्री की टीचर हूँ तो जानती हूँ कि अब जो सोर्सेस पर बच्चों की नज़र है वो शायद हमसे पहले पहुँचती है, चाहे वो ये जो मामला है तारीख को पढ़ने का और उसको शेयर करने का, वो मामला काफी आगे जा चुका है अपना टेक्नोलॉजी की तरक्की से, लेकिन इस कंसेंसस को बरकरार रखना, वो सारे पैगाम को उसकी असली शक्ल में अपने माशरे के मुख्तलिफ शोबों तक पहुंचाना, दैट इज द रियल टास्क। जामियात के लिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा टास्क यही है कि वो जो आपने जैसे कहा रीजनल पर्सपेक्टिव, तो पूरा डॉक्यूमेंट जो 1940 की करारदाद पाकिस्तान का है, शफीक मलिक साहब मरहूम ने इस पर अपना थीसिस किया था, अगर आप उसको उठा के पढ़ेंगे तो जो उसकी अवामिल बयान किए गए, जो उसकी खसूसियात हैं और उसके जो अहदाफ हैं वो आज भी पाकिस्तान के माशरे के लिए, जिसमें दीन एक बहुत अहम सेंट्रल पॉइंट है, आज भी वही अहदाफ हैं जिनको हमने आगे बढ़ाना है। जामियात के लिए इस कंसेंसस को, इसके बहुत सारे नाम आप रख सकते हैं, ये थीम नेशनल इंटीग्रेशन का हो सकता है, ये थीम पहले पाकिस्तान का हो सकता है, लेकिन बट आई एम सजेस्टिंग एंड दैट इज द मैसेज ऑफ द डे इज बेसिकली टू मेंटेन दैट कंसेंसस इन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इस काम को करना जो है वो असातिज़ा ने, इस काम को करना एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, इस काम को उन्हीं ने करना है जो इस मैसेज को आगे फैलाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। सारी कम्युनिटीज इस बात पर एक अपना एक यूनिटी ऑफ थॉट रखती हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो हमारी असास है, और उसके बाद जो हमारा डिक्शन है तारीख का, जब तक हम उसको फुली मैं कहूंगी कि जब तक हम उसको अच्छी तरह से मुतहरिक नहीं रखते, और इसके लिए बहुत सारे जो है तारीखी माहरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनके अगर आप उठाएंगे मॉडल्स तो आपको उसमें यही नजर आएगा कि ये पैगाम जो है ये हमेशा इसको कंटिन्यूस होना चाहिए, इसको मुतहरिक होना चाहिए, मोबिलाइजेशन जो है वो आपके सीनियर्स की तरफ से मासेस तक जानी चाहिए, बेहतरीन आपके जो ऑडियंस हैं वो आपके स्टूडेंट हैं उन्हें मोबिलाइज करना, उन्हें नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ ले जाना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये त्यौहार मनाना एक रस्मी फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि ये यकीनन इस बात की दलील होता है कि हमने पैगाम अपने तक नहीं रखा। मैं बहुत शुक्रगुजार प्रोफेसर डॉक्टर महबूब साहब की, मैं वाइस चांसलर साहब की शुक्रगुजार हूँ, वो तशरीफ रखते हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। मैं अपनी इस बात के साथ अपना ये इख्तिताम करती हूँ इस गुफ्तगू को, इस तरह के मनाजरे डिबेट्स चैलेंजेस को अगर हमने हल करना है तो जारी रहने, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एफर्ट ऑन योर डिपार्टमेंट्स पार्ट कि हम आज पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सुनेंगे भी सही और सुना भी दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना अवान साहिबा।